आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू फीचर्स जो लॉन्च हो रहे हैं इन वर्जन 7.0.5। एक नया अपडेट अवेलेबल है आप सबके लिए जो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। इसमें 9 न्यू फीचर्स हैं एंड बाकी स्मॉल बग्स। ये 9 न्यू फीचर्स बहुत मेजर चेंज है एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज फीचर्स। ये सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ एंड यू विल बी क्वाइट एक्साइटेड कि बहुत मज़ा आ गया कि ये फीचर्स आ गए जो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। 9 न्यू फीचर्स एंड इसमें से हम 3 और 4 फीचर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं 3-4 फीचर्स आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एंड बाकी रेस्ट यू कैन एक्सप्लोर और द वीडियो हेल्प ट्यूटोरियल विल बी अवेलेबल इन क्वाइट सम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एडवांस पेमेंट फीचर इन पेरोल। आप सबको पता है वी हैव पेरोल फीचर इन बुक कीपर। पेरोल फीचर है बुक कीपर में बट अभी तक ये फीचर नहीं था हाउ टू गिव एडवांस। अब आप एडवांस भी दे पाएंगे। कैसे एडवांस का फीचर इनेबल होगा, कैसे काम करेगा, एक बार हम देखते हैं। पेरोल अभी तक कोई एम्प्लॉई नहीं है, मैं एक एम्प्लॉई बना लेता हूँ पहले। ये ज्वाइन इन अप्रैल, लेट्स से एम्प्लॉई नेम इज सुरेश कुमार। And you can fill in all the detail. Okay, I'm just filling in the few of the detail. Let me just fill in the detail quickly. Communication address. Let me fill in the detail. His basic salary 10,000 and we are giving him the HRA. उसे हम HRA दे रहे हैं। तो HRA is variable of 10% salary and at head. Then we are giving him one more. That's maybe the expense or that's 20%. Okay. So let's make it very simple. You know how to create a payroll. आपको payroll बनाना आता है तो हम payroll पर नहीं जा रहे, उसके लिए we have a separate video. You can have a look कि payroll कैसे बनाते हैं book keeper में. But आज हम जिस feature की बात कर रहे हैं वो है advance देना. ये एक employee बन चुका है, इसे advance दिया मैंने salary, क्योंकि अभी lockdown चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है. In case you want to give to advance to someone, क्लिक किया, देर ए न्यू ऑप्शन एडवांस सैलरी। आप एडवांस सैलरी दे सकते हो उसे, आप वाया कैश या बैंक। कितना एडवांस सैलरी दे रहे हो, सपोज यू आर गिविंग 15,000, तो आप 15,000 दे सकते हैं एंड ये एडवांस सैलरी का एंट्री बन गया है। इसमें एडवांस सैलरी का एंट्री बन गया। अब आप जब भी सैलरी देना चाहते हो, क्रेडिट सैलरी, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 15,000 आपने सैलरी दिया हुआ है, आप कितना सेट ऑफ करना चाहते हो इसमें। सपोज 15,000 आपने दिया हुआ, यू वांट टू सेट ऑफ 5,000 फॉर ईच मंथ, कि हर महीने सैलरी में से 5,000 रुपये कट होता रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5,000 डालना है और सेव कर देना है इसे, ठीक है। तो सैलरी अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यू ऑन सैलरी। सैलरी उससे 13,000 है, उसमें से 5,000 रुपये एडजस्ट हो गया, तो अभी 8,000 रुपये बचा है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है ये। ये देखिए, टोटल सैलरी 13,000, 5,000 आपने एडजस्ट कर लिया है, तो अभी आपने कितना पे किया उसे, 8,000 रुपीज। तो लेट मी गिव यू अ लिटिल डिटेल। तो फर्स्ट थिंग इसमें you can give the advance salary by going to tools
payroll, then employee name, and then you click on the advanced salary. And when you want, जब आपको सैलरी उसे देना है, जब आपको सैलरी क्रेडिट करना है, तो आप एम्प्लॉई नेम पर क्लिक करके क्रेडिट सैलरी, एंड ये आपको दिखाएगा कि कितना एडवांस दिया है एंड हाउ मच एडवांस गेट टू सेट ऑफ. अभी जो सेट ऑफ हुआ नहीं है, आपने 15,000 दिया था, उसमें से 5,000 आपने सेट ऑफ कर लिया, बाकी का 10,000 अभी ड्यू है, ये दिखाएगा. तो एक नया फीचर आ रहा है पेरोल में. अभी तक आप सैलरी दे पा रहे थे, आप सैलरी के साथ साथ में आप एडवांस भी दे सकते हैं, एंड एडवांस आप अपकमिंग मंथ्स में सेट ऑफ कर सकते हैं. सपोज किसी की सैलरी 15,000 है, आपने उसे 50,000 रुपये एडवांस दे दिया, तो हर महीने कितना अमाउंट कट करना है वो सब आप देख पाएंगे, कितना अमाउंट अभी तक डिडक्ट हो चुका है वो भी देख पाएंगे आप, कितना अमाउंट अगले आने वाले मंथ्स में आप डिडक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. तो बेसिकली एडवांस देना टू एम्प्लॉयज एंड वो सेट ऑफ करना इन सैलरी, ये नया फीचर ऐड हुआ है इसमें, ठीक है. तो दिस इज अ फीचर, एडवांस पेमेंट फीचर इन पेरोल. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर फीचर. एक नया फीचर की हम बात करते हैं जिसका नाम है फ्री क्वांटिटी. बहुत बार होता है कि हम फ्री क्वांटिटी हम देते हैं अपने कस्टमर्स को, अपनी पार्टी को, वो फ्री क्वांटिटी हम कैसे दिखाएं. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम. आटा, दैट्स आइटम. आई हैव अ ग्रोसरी स्टोर, सो आई हैव अ आटा एंड दैट कम्स इन ओके नंबर्स, सो लेट्स लीव इट. Then I have a scheme where the maida is given free. Then I have a biscuit packet. Let's very simple. So मैंने तीन items बना दिए, आटा, biscuit and maida. Then I have a scheme जहाँ पर मुझे आटा के साथ मैदा free देना है. And I have one more scheme जिसमें एक biscuit के साथ एक free है. तो मेरे पास दो scheme चल रही हैं, ठीक है. एक बार बिल बनाते हैं हम इसे. आटा वन क्वांटिटी, रेट इज से 300 रुपीज़. अभी हम आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड टैक्स एंड ऑल, मैं टैक्स डिस्काउंट नहीं बता रहा. यो ऑल आपको पता है ऑलरेडी कि कैसे डिस्काउंट लगाते हैं, कैसे टैक्स लगाते हैं, वेरी सिंपल, बस यहाँ से चेक करना है. बट अभी हम फ्री क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. देन जो मैदा है वो फ्री है, आटा के साथ में मैदा फ्री है. तो आप तो चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. एंड देन वी हैव अ बिस्किट, एक क्वांटिटी जो मे बी 25 रुपीज का है ये, एंड इसके साथ में एक बिस्किट और फ्री है. तो बेसिकली आटा के साथ मैदा फ्री है और एक बिस्किट के साथ एक बिस्किट फ्री है. You can write here, buy one get one free. अब एक बार बिल देखते हैं, बिल कैसा दिखता है. That's how it is coming. अब हम एक बार सेटिंग्स में जाते हैं, एक बार सेटिंग्स चेंज करते हैं. टेम्पलेट सेटिंग्स, यस, इनेबल फ्री क्वांटिटी, यू वॉन्ट टू शो इट सेपरेटली. तो एक बार फ्री क्वांटिटी इनेबल करते हैं. एंड आपको नाम क्या रखना है, आप नाम रख सकते हैं. तो सेटिंग्स, टेम्पलेट सेटिंग्स, आइटम टेबल में फ्री क्वांटिटी हमने ऑन कर दिया. यही बिल देखते हैं कैसा दिखता है. यस, आप देखिए फ्री क्वांटिटी नीचे अलग से लिखा हुआ आया, रेट नहीं आया उसमें, कितने का रेट है, कितना टैक्स लगा, कुछ नहीं आया क्योंकि वो फ्री है. डिसेप्शंस, आइटम ऊपर आ रही हैं लिखी हुई,
फ्री क्वांटिटी नीचे लिखी आ रही है। फ्री क्वांटिटी की जरा आप जो भी नाम रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। एंड ये जीएसटी रिपोर्ट में कैसे शो होगा वो सब पीछे हैंडल हुआ है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। फ्री क्वांटिटी जो भी आप आइटम इनवॉइस में डालना चाहते हैं, जो भी फ्री आइटम आप शो करना चाहते हैं उसमें डोंट पुट इन रेट या रेट जीरो रखिए। वेरी सिंपल। आपको सेटिंग्स में जाना है, टेम्पलेट सेटिंग्स में, आइटम टेबल, फ्री क्वांटिटी इसे इनेबल करना है। जो भी लेबल आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, चेंज लेबल इफ रिक्वायर्ड, एंड सेव करिए इसे। देन इनवॉइस व्यू करिए आप, इसमें फ्री क्वांटिटी अलग से दिखेगा। यू कैन हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स। फर्स्ट वन जो स्कीम है वो हो सकता है कि आटा के साथ मैदा फ्री, या फिर वन आइटम इज फ्री विद अनदर आइटम, लाइक टीवी के साथ में सेटअप बॉक्स फ्री, तो इस काइंड ऑफ स्कीम हो सकती है। सेकेंड इट कैन बी बाय वन गेट वन, सेम आइटम पर स्कीम हो सकता है। सो यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ स्कीम। एंड इन बुक कीपर वाइल मेकिंग द इनवॉइस यू डोंट हैव टू पुट द रेट, आपको रेट नहीं डालना है। एंड देन आप इनवॉइस व्यू करेंगे, उसमें फ्री क्वांटिटी अलग से दिखेगा आपको, एंड जीएसटी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जो फ्री आइटम्स हैं उनके लिए। Just show you GSTR 1, क्योंकि हमने टैक्स नहीं लगाया तो आई डोंट थिंक ये सही से आएगा, बट ओके। ये देखिए इसमें आटा आ रहा है, बेसिड आ रहा है 1 यूनिट, क्योंकि सेकेंड यूनिट फ्री था इसलिए वो नहीं आया, क्योंकि मैदा फ्री था तो इसलिए वो नहीं आया। जो फ्री आइटम्स हैं वो HSN समरी में रिपोर्ट नहीं होंगी। एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट जितनी भी है वो प्रॉपर काम करेंगी। आपने फ्री दिया कोई बात नहीं, बट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब प्रॉपर काम करेंगी। GST रिपोर्ट्स में फ्री आइटम शो नहीं होती। तो ये हमने बात किया सेकंड फीचर पर, अब हम थर्ड फीचर पे चलते हैं। एडिट एंड डिलीट एस्टीमेट PO फॉर यूजर। सो यू ऑलरेडी नो, अगर आप एडिट परमिशन देते हैं तो यूजर सेल्स इनवॉइस एडिट कर पाता था, बट अब यूजर को अगर आपने परमिशन दिया है तो वो एस्टिमेट एंड PO भी एडिट कर पाएगा। देयर इज नो सेपरेट परमिशन रिक्वायर्ड। अगर इनवॉइस पे परमिशन है उसे एडिट करने का तो वो एस्टिमेट भी एडिट कर पाएगा। अगर उसे परचेज एडिट करने की परमिशन है तो वो परचेज ऑर्डर भी एडिट कर पाएगा, एडिट एंड डिलीट बोथ। Let's go to the next point. That's a display name and address line number 1 and 2. So basically in account name we can type anything. Account name mein हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट डिस्प्ले नेम काफ़ी अच्छा होता है, जो बिल पे प्रिंट होता है
वही डिस्प्ले नेम अब आप रिपोर्ट में भी देख पाएंगे. लेट मी जस्ट टाइप द एड्रेस. एक और एड्रेस का फीचर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें. मैंने एक कस्टमर बनाया अभी जैसा नाम मैंने अपने लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम कुछ भी रखा है मैंने. सुरेश कुमार फ्रॉम मुंबई एंड मैं रिपोर्ट से पर देखता हूँ कस्टमर सप्लायर लिस्ट और ना पॉपुलर डिमांड. बहुत ज़्यादा डिमांड की इस फीचर की कि हमें डिस्प्ले नेम दिखाने का ऑप्शन होना चाहिए. तो मैंने डिस्प्ले नेम ऑन किया. सॉरी जीरो बैलेंस अकाउंट क्योंकि अभी कुछ है नहीं उसमें. तो आप ये नाम के साथ में डिस्प्ले नेम भी प्रिंट होगा. आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. आप एक्सेल में कोई कॉलम हटाना चाहें या रिपोर्ट का प्रिंट निकालना चाहें बट डिस्प्ले नेम अभी तक आता ही नहीं था तो हमें रिपोर्ट हम किसी को भेज नहीं पाते थे. तो इसीलिए डिस्प्ले नेम भी आएगा. Then we have address. Address में नया ऑप्शन आया है सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम. तो ये मल्टीपल कॉलम्स में आ जाता है. Sometimes we have to print. Address बहुत बड़ा होता है तो वो सिंगल कॉलम में एक्सेल में properly फिट नहीं होता. तो आप सिंगल कॉलम में रखना चाहते हैं या मल्टीपल कॉलम्स में आप चूज कर सकते हैं. फीचर में हमने देखा डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस इन सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम. ये नया फीचर है कस्टमर सप्लायर लिस्ट रिपोर्ट. लेट्स गो टू द अनदर फीचर बारकोड परमिशंस. अगर आपने आइटम क्रिएट करने की परमिशन दी है यूजर को तो यूजर बारकोड जनरेट कर पाएगा एंड एडमिन उसे इंपोर्ट भी कर पाएगा. अभी तक ये फीचर नहीं था. यूजर बारकोड जनरेट नहीं कर पाते थे वो ओनली प्रिंट कर पाते थे बट अब वो बारकोड जनरेट भी कर पाएंगे. बिकॉज जो एडमिन है जो ओनर है वो ये काम नहीं करेगा अगर एक बड़ी कंपनी है तो यूजर या जिसे परचेज की परमिशन है वही आइटम चढ़ाता है बिल में और वही बारकोड जनरेट कर पाएगा. बारकोड का प्रिंट भी निकाल पाएगा एंड स्टिकर निकाल के आइटम पर पेस्ट कर पाएगा. तो ये परमिशन नया एड ऑन हुआ है इसलिए आप तो सेपरेट परमिशन नहीं देनी. अगर यूजर को आइटम क्रिएट करने की परमिशन है अगर यूजर को आइटम बनाने की क्रिएट करने की परमिशन है तो वो बारकोड भी जनरेट कर पाएगा. देयर इज नो सेपरेट परमिशन रिक्वायर्ड. दैट मींस आपके जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो आइटम बना सकते हैं वो आप बारकोड भी जनरेट कर पाएंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. मल्टीपल डिस्काउंट ऑन वेरी ह्यूज डिमांड. मल्टीपल डिस्काउंट अब आप बुक कीपर में डाल पाएंगे. कैसे डलेगा मल्टीपल डिस्काउंट एक बार हम देखते हैं. टेम्पलेट सेटिंग्स में आइटम टेबल में देयर इज ऑप्शन इनेबल मल्टीपल डिस्काउंट. आप क्या क्या डिस्काउंट रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पे. क्रेडिट डिस्काउंट
maybe the cash discount, maybe the special discount, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं इसमें. मैंने मल्टीपल डिस्काउंट ऑन कर दिया है फीचर. अब हम देखते हैं ये बिल में कैसे बनेगा. ये मैं एक बार वही आटा का एग्जांपल लेता हूँ. एक आटा दिस टाइम 500 रुपीज मल्टीपल डिस्काउंट. मैंने एंटर प्रेस किया. ये पूछ रहा है कि कौन का आपको डिस्काउंट देना है. आप इसमें 10% डिस्काउंट प्लस 20% आप देना चाहते हैं एंड उससे ऊपर में भी 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं. तो 10% प्लस 20 प्लस 5% डिस्काउंट आप दे सकते हैं. एंड इतना ही नहीं, आप इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, आपने इसे 10% डिस्काउंट एंड देन आप डिस्काउंट फिक्स अमाउंट देना चाहते हैं, मे बी 20 रुपीज एंड 5 रुपीज आप वो भी दे सकते हैं. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको परसेंटेज में डिस्काउंट देना है. आप परसेंटेज में फ्लैट डिस्काउंट आप जैसा भी देना चाहें आप डिस्काउंट दे सकते हैं. आप मिक्स एंड मैच डिस्काउंट आप दे सकते हैं. एक बार फीचर देख लेते हैं, एक बार देखते हैं कैसा दिखता है बिल. ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 20%, स्पेशल डिस्काउंट 5%. तो आप मल्टीपल डिस्काउंट आप लगा पाएंगे बिल के अंदर, सेल बिल, इनवॉइस या फिर परचेज बिल के अंदर भी आप मल्टीपल डिस्काउंट लगा पाएंगे. एंड मल्टीपल डिस्काउंट आप एक ही कॉलम में दिखाना चाहते हैं या मल्टीपल कॉलम में दिखाना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है यहाँ पर. मैंने ये ऑन किया कि मुझे एक ही कॉलम में चाहिए, तो ये एक ही कॉलम के अंदर मुझे दिखाएगा. ये देखिए यहाँ पे डिस्काउंट एक ही कॉलम में आ गया, 10, 25%, 10% प्लस 20 प्लस 5. तो आप एक ही कॉलम में दिखाना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में दिखाना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है. मल्टीपल कॉलम कितने विड्थ होनी चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं. ओनली 80 विड्थ होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए इनवॉइस पर, वो भी आप सेट कर पाएंगे. एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही डिस्काउंट दें या तीन दें. आप जितने चाहें उतने डिस्काउंट दे सकते हैं, अप टू 3. मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ. आटा 500 रुपये एंड अब मैं इस पे डिस्काउंट ओनली ये दो डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मुझे थर्ड डिस्काउंट नहीं देना. तो अगर आप बिल में देखेंगे तो उसमें दो ही कॉलम आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. थर्ड कॉलम नहीं आएगा. डैट मीन्स ये आपकी चॉइस है कि आपको कितने डिस्काउंट देने हैं. बिल पर उतने ही डिस्काउंट आएंगे. डिस्काउंट मल्टीपल कॉलम में चाहिए या एक में, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो. तो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस कितनी विड्थ होनी चाहिए कॉलम की वो भी आप डिसाइड कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल डिस्काउंट. आप सेल, परचेज, एसआर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब में आप डाल पाएंगे. इनको क्रेडिट डेबिट नोट भी बोलते हैं. आप उन सब में लगा पाएंगे मल्टीपल डिस्काउंट. मल्टीपल डिस्काउंट सिंगल कॉलम में दिखाना है या मल्टीपल कॉलम में, वो भी आप कर पाएंगे. डिस्काउंट के नेम क्या रखने हैं वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे. 2 डिस्काउंट चाहिए या 3 चाहिए वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे. डिस्काउंट की कितनी विड्थ होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे. तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास और ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं टेम्पलेट सेटिंग्स से अंदर आइटम टेबल में. इनेबल मल्टीपल डिस्काउंट.
ये फीचर अवेलेबल है। चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ह्यूज डिमांड जो बुक कीपर में नहीं था, ये फीचर बुक कीपर में फीचर था, ये राउंड ऑफ, बट वो सेमी ऑटोमेटिक था, वो फुल्ली ऑटोमेटिक फीचर नहीं था। डेट मीन्स आप राउंड ऑफ तो लगा पा रहे थे, लेकिन आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ता था हर बार बिल बनाते हुए। अब वो नहीं करना, आप ट्रांजेक्शन सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे ये ऑप्शन है इनेबल ऑटो राउंड ऑफ, वो ऑन करना है आपको, सेव करना है। अब हम बिल बनाते हैं। मैं डिस्काउंट दे देता हूँ थोड़ा सा, 10.23। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, टोटल वैल्यू हो रही 338.93। जैसे ही ये वैल्यू हुई, राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे 0.07। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, जो पहले फीचर था अदर चार्ज राउंड ऑफ मैनुअली डालना, उस पर अकाउंट एंड वैल्यू कैलकुलेट होगी, अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा और चेंज करते हैं, GST भी लगा देते हैं इस पर, एंटर, ये वैल्यू डाली मैंने इस पर, सॉरी अभी भी 93 आ रही है, लेट मी जस्ट चेंज कुछ और वैल्यू, 87। तो जैसे ही 87 हुआ, राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली 0.13 हो गया। तो ये फीचर पूरा ऑटोमेटिक बनाया गया है राउंड ऑफ। पुराना वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही न्यू पे आएंगे, पुराने वाउचर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। राउंड ऑफ जो आपने पहले डाला है पुराने बिल्स में, वो सारा न्यू वर्जन में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको अंदर राउंड ऑफ नहीं डालना है, बाहर राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दिस इज न्यू फीचर ऑफ राउंड ऑफ, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ। नाउ दिस टाइम दिस इज फुल्ली ऑटोमेटिक राउंड ऑफ, जो पहले नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप सबको पता है GST में एक नया चेंज आया है कि अब आप GSTR 3 भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए बुक कीपर में भी ऑप्शन है, अब आप क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे GSTR 3 भी। आप डेट सेलेक्ट करेंगे एंड रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जो पहले नहीं होती थी, पहले ओनली मंथली रिपोर्ट जनरेट होती थी। अनदर, आपको पता है कि बुक कीपर में नेपाल के लिए भी सपोर्ट है, नेपाली डेट का भी सपोर्ट है बुक कीपर में, एंड ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स में नेपाली डेट का सपोर्ट है, बट एक परचेज रजिस्टर रिपोर्ट में नहीं था, तो उसमें भी ऐड हो गया है ये। आप नेपाल के हमारे यूजर्स वो परचेज रजिस्टर रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे, एंड उसमें भी नेपाली डेट आएगी। एंड देन देयर आर सम बग फिक्सेस, कुछ यूजर्स को कुछ इशू आ रहे थे, तो वो भी इसमें फिक्स हुए हैं। दिस वॉज नॉट ए मेजर इशू, बट बुक कीपर ओपन होते ही प्रॉम्प्ट आ रहा था, या GSTR 2A में मल्टीपल टैक्स में मैच नहीं हो पा रहा था कुछ वाउचर्स में, तो वो सब बग फिक्स हुए हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप नया अपडेट डाल लीजिए, नया अपडेट आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प में डाउनलोड बीटा प्रोग्राम में अवेलेबल है, यहाँ से आप डाल सकते हैं वर्जन 7.0.5, एंड काफ़ी जल्दी ये सबको अवेलेबल हो जाएगा अपडेट। बट आप मैनुअली डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, हेल्प में डाउनलोड बीटा प्रोग्राम से भी डाल सकते हैं,
अब नया अपडेट डालिए, इसमें मेजर फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आप वो यूज़ करिए एंड अपनी फीडबैक दीजिए। आई एम जस्ट रिपीटिंग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडवांस फीचर, एडवांस पेमेंट फीचर, फ्री क्वांटिटी, एडिट डिलीट परमिशंस फॉर एस्टिमेट एंड पीओ, कस्टमर सप्लायर लिस्ट में चेंज आया है डिस्प्ले नेम एड्रेस लाइन में, बारकोड परमिशंस, मल्टीपल डिस्काउंट, द मेजर फीचर मल्टीपल डिस्काउंट, ऑटो राउंड ऑफ, मोस्ट डिमांडेड फीचर ऑफ बुक कीपर, ऑटो राउंड ऑफ होना चाहिए तो वो आ गया है इसमें। एंड अगर आप GSTR क्वार्टरली फाइल करते हैं तो इस रिपोर्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस अपडेट पे। एंड नेपाल के यूजर्स के लिए नेपाली डेट है स्पेशल फीचर सिर्फ उनके लिए, जो परचेज रजिस्टर में नहीं था वो ऐड हो गया है इसमें। एंड देन देयर आर स्मॉल परफेक्शंस, तो आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड का लिंक मैंने आपको बता दिया है, आप हेल्प में डाउनलोड बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जा सकते हैं या फिर BKB विंडोज न्यू, ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये हमारी ईमेल आईडी, इस पर आप मेल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ न्यूज फॉर एवरीवन, अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है ऑलमोस्ट सब जगह पर, सब लोग काम नहीं कर पा रहे, बिजनेस ओपन नहीं है सबके लिए, तो इन द मेन टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपसे इंक्वायरी कर रहा है आपके बिजनेस से, वो लीड आप ऐड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके लिए हमने नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है लीड मैनेजर एंड CRM। आप इसमें लीड्स आप डाल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, जो भी इंक्वायरी कर रहा है आप लीड डालते रहिए इसमें, एंड फिर आप जब भी आपका बिजनेस ओपन हो तो आप फॉलो अप कर सकते हैं उनके साथ में, एंड आप अल्टीमेटली अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीड मैनेजर एंड CRM हमारी न्यू एप्लीकेशन का, एंड स्पेशली बिकॉज कोविड टाइम है, इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, एंड इसीलिए हम इसमें 90% डिस्काउंट दे रहे हैं मंथली प्लान पर, जिससे आप कंटिन्यू कर पाएं अपना बिजनेस, आप अपनी लीड्स इकट्ठी कर पाएं 90% डिस्काउंट ऑन मंथली प्लान। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये ऑफ़र अवेलेबल है, आपके सिटी में, आपके शहर में इस टाइम बहुत जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोविड तो रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसीलिए इन द मेन टाइम हम 90% डिस्काउंट दे रहे हैं मंथली प्लान पर सारे यूजर्स को, हमारे इंडियन यूजर्स को, हमारे इंडियन भाई को, हम नॉट ओनली इंडियन, आप अगर इंडिया से बाहर से भी हैं तो भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बिकॉज सेकेंड वेव कोविड की सब जगह पर है इस टाइम पर। तो 90% डिस्काउंट ऑन मंथली प्लान, एंड नॉट ओनली दिस, आप अगर प्लान नहीं भी लेते हैं तो भी अप टू फर्स्ट 50 लीड्स ये लाइफ टाइम फ्री है आपके लिए। अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप कोई प्लान नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, अप टू फर्स्ट 50 लीड्स ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, आप तो कुछ भी पे नहीं करना है। एंड अगर आप प्लान लेना चाहते हैं, आप तो बहुत सारी लीड्स डालनी है, तो फिर आप मंथली प्लान ले सकते हैं। इसमें और भी ईयरली एंड और बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बट मंथली प्लान पर हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 90% डिस्काउंट टिल द टाइम लॉकडाउन इज देयर। जब लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा तो ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि हाउ टू डाउनलोड। ये एंड्रॉयड पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड पर एंड एंड्रॉयड फ़ोन पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बुक कीपर से रिलेटेड support@bookkeeperapp.net पर न्यू अपडेट आप डालिए। मेजर फीचर्स हैं इसमें, आप यूज़ करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू आए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं support@bookkeeperapp.net। थैंक यू वेरी मच।